हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वागत है बच्चों आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आज हम सभी हल करेंगे हमारे विषय गणित सप्ताह छब्बीस कक्षा दो की वर्कशीट आज का उपविश्य है बच्चों सबसे लंबा कदम तो बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए पहला प्रश्न है बच्चों तुलना करो और लिखो कि किसके कदम की लंबाई ज्यादा है तो देखिए बच्चों यहाँ चीटी और गिलहरी है तो इनमें से सबसे लंबा कदम किसका होगा गिलहरी का होगा खरगोश और हिरन में सबसे लंबा कदम हिरण का होगा गाय और शेर में किसका होगा बच्चों गाय का सबसे लंबा कदम होगा हाथी और ऊंट में आती का सबसे लंबा कदम होगा अगला है बच्चों उंगलियों से अंदाजा लगाओ और उस वस्तु का नाम अपनी कॉपी में लिखो जो इनमें सबसे लंबी है तो बच्चों देखिए इनमें सबसे लंबा क्या है चाबी कैंची और हथौड़ी तो बच्चों इनमें सबसे लंबी वस्तु है हथौड़ी पानी की बोतल कोट और छतरी इनमें सबसे लंबा है कोट पेंसिल रबड़ और पैमाना इनमें सबसे लंबा है पैमाना ठीक है बच्चों अगला है बच्चों निम्न वस्तुओं की लंबाई अपने हाथ से नाप कर लिखे तो बच्चों आप सभी को यहाँ पे अपने हाथों से नाप कर इनकी लंबाई लिखनी है बाल्टी पाँच हाथ लंबी है घर की मेज पंद्रह हाथ लंबी होगी पानी की बोतल तीन हाथ लंबी आपके बाल दो हाथ लंबी अगला है बच्चों अपने पैर के कदमों की सहायता से घर के दरवाजे और खिड़की के बीच की दूरी को ज्ञात करें तो बच्चों आपके घर का जो दरवाजा है और जो खिड़की है उसके बीच की दूरी अपने कदमों से आपको मापनी है तो बच्चों ये कितनी होगी पैरों के कदम की संख्या छः एक दो तीन चार पाँच छः तो दरवाजे और खिड़की की दूरी छः कदम है। अगला है बच्चों जीवन कौशल छूट छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना ठीक है बच्चों जैसे कि कोई चीज़ दस रुपये की है वो हमें सात रुपये में मिली तो बच्चों हमें छूट में मिली कितने रुपए हमको छूट मिली तीन रुपए। तो इसे हम क्या बोलते हैं छूट एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को आधी कीमत पर बेचता है दी गई तालिका में उसकी दुकान के रियायती मूल्य की गणना करें आपके लिए एक किया गया है ठीक है बच्चों तो एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुओं को आधी दामों में बेचेगा अब देखिए बच्चों कमीज आठ सौ रुपये की है आधी दाम कितने हुए चार सौ रुपये बैग पाँच सौ का है आधी कीमत इसकी होगी ढाई सौ रुपये क्रिकेट का बल्ला ग्यारह सौ रुपये का है इसकी कीमत क्या होगी साढ़े पाँच सौ रुपये टी वी सोलह हज़ार रुपये का है इसकी कीमत होगी आधी आठ हज़ार रुपये फुटबॉल चार हज़ार की है बच्चों, आधी कीमत इसकी क्या होगी दो हज़ार रुपये ठीक है बच्चों तो इस तरह से आप सभी को इसकी आधी कीमत लिखनी है अपने माता पिता से पूछिए कि क्या उन्होंने सेल से कभी कोई वस्तु ख़रीदी है उनसे वस्तु का वास्तविक और रियायती मूल्य जानकर नीचे दी गई तालिका में भरें तो आप सभी अब अपने माता पिता से पूछेंगे कि उन्होंने सेल से क्या क्या ख़रीदा है उसका नाम आपको लिखना है उसका वास्तविक मूल्य आपको लिखना है और रियायती मूल्य आपको लिखना है जैसे कि उन्होंने सबसे पहले एक जैकेट खरीदा जिसकी कीमत है बारह सौ पचास रुपये की रियायती मूल्य वो हज़ार रुपये में उसको लेकर आए ठीक है थीके? इसी तरह बच्चों जूते उन्होंने खरीदा पाँच सौ रुपये के थे वास्तविक मूल्य और वो उसे चार सौ रुपये में लेकर आए टी वी पंद्रह हज़ार का था जिसका वास्तविक मूल्य पंद्रह हज़ार था और वो उसे कितने में लेकर आए बारह हज़ार पाँच सौ में साड़ी वास्तविक मूल्य कितनी थी बच्चों दो हज़ार रुपये और लेकर कितने में आए एक हज़ार पाँच सौ रुपये में पैंट का वास्तविक मूल्य कितना है बच्चों पाँच सौ रुपये और रियायती मूल्य तीन सौ रुपये में उन्होंने उसे खरीदा ठीक है बच्चों आया सभी को अच्छे से समझ में अगला है बच्चों संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है राम प्रसाद बिस्मिल ने बच्चों ये बात कही थी खाना पीना अंकुरित दालें जैस दालों से बने खाद्य पदार्थ आहार में शामिल करें और उनका सेवन करें गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों के नारों को उनके नाम सहित बोलकर अपने अध्यापक को वॉयस मैसेज भेजें तो बच्चों आप सभी को जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके नारों को उनके नाम सहित बोल करके और एक वॉइस मैसेज तैयार करना है और उसे अपने अध्यापक को भेजना है खेल परिवार के साथ आप सभी शतरंज का खेल खेलें दैनिक दिनचर्या निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें अपने दांतों को दिन में दो बार ब्रश करें प्रतिदिन स्नान करें खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें तो बच्चों इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को हल करना है उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बच्चों अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाइए लाल बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद